तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको टू वे स्विच के कनेक्शन बताऊंगा, बहुत ही सिंपल है, चाहे आपका सिंगल फेज का कनेक्शन है या फिर थ्री फेज का, अधिकतर शॉर्ट सर्किट होता है। तो यहाँ पर एक कनेक्शन अगर आप कर लेंगे तो इसमें कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, और मेन बोर्ड में से जो आपका मेन बोर्ड है उसमें से किसी भी पॉइंट को आप टू वे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, पर आप देखें हमने क्या है, चार तार पहले से इसमें डाल रखे थे दो दो करके, और चार तार हमारे यहाँ पर हैं। देखो ये चार तार ये हैं, इनमें भी दो टू वे स्विच यहाँ मेन बोर्ड पे लगेंगे और दो वहाँ बेड के वहाँ पर लगेंगे। तो पहले मैं उसका कनेक्शन आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से होगा, फिर वहाँ से जो भी पॉइंट हमें चाहिएगा, जैसे मान लीजिए इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं आप देख रहे हैं, अब किसी को भी हम टू वे मतलब कनेक्शन कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत हमको नहीं आएगी। तो यहाँ पर जो मेन बोर्ड है उसमें हमारे किसी भी पॉइंट को हम टू वे कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हम जिस चाहें किसी को कर सकते हैं। लेकिन ये जो कनेक्शन आप कर लेंगे, ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें किसी भी को आप टू वे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है कि जो तार चार तार है जो हमने लिए, दो दो स्विच करके, दो ये अलग हैं दो ये अलग हैं, तो ये इस तरीके से लगाने हैं, बीच की पिन में फेस देना है सेम उसी तरीके से। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी दो स्विच लगा लेंगे, और यहाँ पर लगाने के बाद इनको ऊपर नीचे लगा देंगे, और यहाँ से सिर्फ जो पॉइंट को आपको मतलब टू वे बनाना है उसके बीच का तार मतलब बीच की पिन में वो तार लगा देंगे। अभी मैं करके आपको दिखा देता हूँ एक बार, और फिर ये रेडी हो जाएगा, फिर आपको चेक करके भी बता दूँगा। यहाँ पर आप देखें, देखो यहाँ से मैंने उसमें फेस दिया बीच की पिन में सिर्फ, बाकी दो तार बल्ब के हैं दो पंखे के हैं, मतलब यानी कि चार तार सीधे दूसरे बोर्ड पर जा रहे हैं, बीच में से फेस देना है, दो तार हैं वो एक साथ आपको रखने हैं, उनका निशान लगा के रखना है, ऊपर नीचे की पिन में लगा देना है, यहाँ लगा दिया, यहाँ से फेस जाएगा सिर्फ। यहाँ से मैंने इन्वर्टर का फेस दिया क्योंकि इन्वर्टर से हम इसको चलाने वाले हैं। तो यहाँ से अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको ऑन करके, देखो यहाँ से अभी फ़िलहाल ये ऑफ है, देखो ये लाइट का हो गया, और दूसरा है ना जो ये पंखे का हो गया, वो चल गया पंखा, है ना, यहाँ से आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया, पंखा भी चल गया और हमारा बल्ब भी चल गया। तो हम इसको अभी फ़िलहाल बंद करते हैं और फिर वहाँ से चला देंगे दूसरे बोर्ड से। तो यहाँ पर देखिए दूसरे बोर्ड में भी आपको कनेक्शन दिखा दूंगा। तो यहाँ से सिर्फ आपको क्या कहते हैं, चार तार हैं जो सेम ऐसे ही ऊपर नीचे लग रहे हैं, कोई सा तार कहीं पर भी लगा सकते हैं, दो दो तार हैं जो ये हाफ हैं, पीली फैन की है और ये रेड बल्ब की है। अब यहाँ से हम इसको चलाएंगे, देखो यहाँ ये बल्ब चल गया और हमारा फैन भी चल गया, ये देखें ये देखो। तो इस तरीके से आप टू वे का कनेक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको बताया किस तरीके से टू वे के कनेक्शन होते हैं, और अगर आपका कोई भी कैसा भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें, इसी तरह हम आपको नॉलेज वाली वीडियो लाते रहेंगे, और काफ़ी सारी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ इलेक्ट्रिक के बारे में। कैसा भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर दें, सिर्फ कमेंट कर देंगे, कमेंट का रिप्लाई देंगे, नहीं तो क्या करेंगे। अगर कमेंट का रिप्लाई नहीं भी मिलता है तो उस टॉपिक पे आप हमारे चैनल पे सर्च करेंगे तो वो वीडियो मिल जाएगी, और बहुत ही आसानी से आप मतलब कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, आप सिर्फ कमेंट करें, हम उसकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।